हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी बज रहा है 2, यानी दोपहर का टाइमिंग हो चुका है। सो दोस्तों, आज के डेट में मेरा मतलब एक भाड़ा तो पहले से था, बट क्या हुआ कि वो भाड़ा 1 बजे मुझे जाना था इसरी छोड़ने के लिए, और एक भाड़ा जो कि मेरे बगल के एक दादी है, वो मतलब उनको मतलब शुगर ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण से एक सप्ताह पहले ही हम लोग एडमिट करवाए थे धनबाद में। तो वहाँ से क्या हुआ कि अभी एक सप्ताह हो गया, अभी उनको मतलब जो हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे वहाँ से ले गया PMCH। तो PM से अभी कॉल आ गया है कि उसको मतलब लेके हम लोग को आना है घर। तो अभी मतलब क्या हो रहा है, दोनों हमको मैनेज करना है, कैसे होता देख लेते हैं। क्योंकि इनका जो टाइमिंग था 1 बजे का दिया था, तो ये ऑटोमेटिक हमको कॉल किया, बोला कि 3 बजे जाना है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया, जिनको इसरी छोड़ना था। अभी क्या है कि अभी फ़िलहाल जा रहे हैं वो दादी को लाने के लिए गाड़ी में, उसके बाद जाएंगे उधर वाला भाड़ा। मतलब एक दिन में इस दो का भाड़ा हमको सिर्फ लाने और छोड़ने वाला करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से जा रहे PMCH, उसके बाद जाएंगे इसरी। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, एक साथ में दो भाड़ा हो पाता है कि नहीं, देखते हैं किस तरह से करते हैं मैनेज। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं धनबाद PMCH, तो ब्लॉग पर हमारे साथ बने रहो। टेन्यू तो गाइस, जाने से पहले गाड़ी इतना ज़्यादा मतलब 2-3 दिन में गाड़ी धोते हैं, उसके बाद इतना सारा डस्ट लग जाता है एक्चुअली, कि ये सीट देने के बाद तो सिर्फ मतलब जो सीट होता है उससे तो बचत हो जा रहा है, बट क्या हो रहा है कि मतलब इधर से जो बालू वाला ट्रैक्टर वक्टर इधर से ही चल रहा, उधर से तो बंद हो गया कुछ दिन पहले, मतलब बंद करवाएं तो बंद हो गया, लेकिन इसमें जाता है हवा भी जाता है मेन रोड, इसमें तो बंद कर नहीं पाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो इसमें सब धूल लग जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो गाड़ी को झाड़ना पड़ेगा पूरा। हम लोग को दिखाते हैं किस तरह का धूल है, ये देखो पूरा है धूल ही धूल, सब झाड़ के पूरा, देखिए सब पीछे साइड में सब धूल ही धूल है, चकचक हो गया तुरंत। तो ये सारे प्रॉब्लम है एक्चुअली। सो गाइस, फाइनली गाड़ी का तो सफाई करना हो गया, लोग भी देख सकते हैं आ गया वहाँ पर वेट कर रहा है। तो चलिए इन लोगों को फटाफट लेते हैं, फिर चलते हैं हॉस्पिटल। देखिए यहाँ का वेट कर रही चाची। तो गाइस देख सकते हैं इधर प्रेम जा रहा है, हाय करो। कहाँ जा रहा है? दादी को लेने के लिए ना। चलो गाइस चलते हैं PMCH हॉस्पिटल ना, PMCH। चलो चल। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं ये रूट का, यहाँ पर एक रूट खुल गया, पहले घूम के आना जाए, घूम के जाना पड़ता था, अभी देखिए इधर ये रास्ता खोल दिया, धीरे धीरे ओवरब्रिज भी बन जाएगा, तो फिर धनबाद जाना शॉर्टकट हो जाए। तो गाइस फाइनली PMCH पहुँचने वाले हैं, देख सकते हो। और प्रेम का वोमिटिंग होने लगा था, क्योंकि आदत नहीं है गाड़ी में चढ़ने का। कैसा लग रहा है? ठीक है, किसी किसी का क्या होता है ना, शीशा बंद रहता पैक रहता है ना, तो वोमिटिंग होने लगता है, वैसा ही सीन हुआ है। अभी ये वोमिटिंग कर लिया है, फ्रेश लग रहा है। चलिए चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत दिन के बाद जा रहा है PMCH हॉस्पिटल। तो ये सब देख सकते हैं एम्बुलेंस इमरजेंसी वाला वो साइड में हो गया, नीचे से उतर के हम लोग को गाड़ी के पार्किंग में लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं, हाँ वहाँ बाबा खड़ा। चलिए सो गाइस फाइनली देख सकते हो पहुँच चुके हैं PMCH हॉस्पिटल, और अभी थोड़ा सा जा रहा है नाश्ता वास्ता लाने के लिए, तब तक वो दादी को हमारे लेकर आएगा गाड़ी में, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में करके जा रहे हैं। तो गाइस घर से आने के लिए पूरा मतलब आपातकालीन जो होता है ये साइड में ही, जो पीछे वाला कोना है वहाँ पर आपातकालीन में आता है, जितना भी एक्सीडेंटल केस है, मतलब हम लोग कल बोल सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल बोल सकते हैं ये PMCH। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब देखते हैं कि बराबर इसका न्यूज यूज में आते रहता है, मतलब फैसिलिटी जैसा है नहीं पहले जैसा। तो गाइस फाइनली देख सकते हो अभी पंप आ गए हैं हॉस्पिटल से, और 510 का तेल भरा ले रहे हैं, क्योंकि उधर जाएंगे तो उधर अलग तेल भर लेंगे, तो कम से कम 5 लीटर हो जाना चाहिए धनबाद अप डाउन का लेंगे, उसके बाद इन लोग छोड़ेंगे 60 किलोमीटर घर से। तो चलिए ब्लॉक पर बने रहे, अभी फिलहाल तेल हमारा लेना भी हो चुका है। तो गाइस फाइनली देख सकते हो घर पहुँच चुके हैं, घर का बगल का ही दादी गई थी हॉस्पिटल, तो इसको अब उतार के हम जाएंगे यहाँ से इसरी। तो ये हमारा लोकेशन रहा, तो चलिए फटाफट ये खाली करके अब जाते हैं, यहाँ से इसरी जाना है। तो अगला जो कि मेरा जो फील्ड है वही रास्ता में जाएंगे अभी इसरी हम, तो चलिए ब्लॉक पर बने रहिए अभी। सो गाइस फाइनली देख सकते हो नेक्स्ट जो कि भाड़ा हमारा इसरी का, उसके लिए निकल चुके हैं वो घर में जो दादी थी उनको उतार के। एक्चुअली दोस्तों ऐसा खुश सीन चल रहा है ना, अधिकतर भाड़ा मतलब होता है कि अपना आदमी रहता तो भाड़ा खुल के बोल भी नहीं पाते हैं, और टाइम लग जाता उसका भाड़ा लेने में। तो गाइस अभी फिलहाल चल रहे हैं, आगे से ही लेके जाना है, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से ही, मतलब अभी अब लग रहा है कि ये वाला हमको सोना पहाड़ी होकर ही जाना पड़ेगा। तो क्या होगा इतना मतलब जाते जाते मेरा शाम हो जाएगा, तो मैं सोच रहा था कि सोना पहाड़ी का आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए, बट हमको लग रहा है कि नहीं दिखा पाएंगे,
इस वीडियो में मतलब वो दिखाने वाले थे, बट देखते हैं क्या होता है। अगर टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे सोना पहाड़ी का व्यू दिखाने के लिए, बट अभी 3:30 बज गया है तो, और जगह लोकेशन जो कि पहुंच चुके हैं, यहीं से जाना है, बगल में ही घर है, देख सकते हैं ये घर जो बुल्लू घर है ना, तो यहाँ से ही हम लोग को जाना है। तो ये लोग रेडी है, ये लोग को। तो दोस्तों फाइनली अभी देख सकते हो राजगंज में रुके हुए हैं, तो यहाँ से अभी हमको लग रहा है कि 7-8 बज ही जाएगा, क्योंकि शाम होने वाला है, सनसेट हो रहा है, देख सकते हो उधर पूरा। तो अभी रुके हुए हैं, कुछ सामान वामान मीठा उठा ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट। तो चलिए आगे का व्यू दिखाएंगे आपको। हो सकता है टोल टैक्स होकर ही जाएंगे ना हम लोग, टोल टैक्स होकर ही जाना है, तो इधर से तो टोल टैक्स हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं वो जगह मेरा लोकल है, तो उसके लिए वहाँ टोल टैक्स हम लोग को पार हो जाएंगे, बट आते समय भी फिर वही हम लोग को आधार देना पड़ेगा। तो जो भी होगा आप लोग को सारा चीज़ वीडियो में देखने को मिल जाएगा, फिलहाल ब्लॉग पर बने रहो। अभी राजगंज में रुके हुए हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर होगा ना, 50 से 55 किलोमीटर होगा शायद, क्योंकि पूरा 60 किलोमीटर हमको लग रहा है, अगला बार जब गए थे तो 58 कुछ हुआ था, देखिए 5 किलोमीटर हो गया है, तो यहाँ से 55 होगा। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस देख सकते हैं शाम के टाइम ये व्यू है परासनाथ का, जो कि झारखंड का सबसे ऊंची इमारत को बोला जाता है। कुछ व्यू देखिए इस तरह का, तो गाइज लोकल एड्रेस दिखाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग को छोड़ दिया गया है, क्योंकि आसपास में अगर आधार कार्ड किन्हीं का दिखाते हैं लोकल का, तो यहाँ पर क्या नियम सिस्टम है कि 10 किलोमीटर तक आपको छोड़ दिया जाएगा। तो अभी आधार कार्ड हम लोग दिखाएं तो छोड़ दिया गया, आते समय भी ऐसा ही करेंगे हम लोग। सो गाइज फाइनली चौधरी बांध से निकल चुके हैं, और भाई ये गाँव वाला एकदम सीन है पूरा, देख सकते हो। और हमारे साथ है मनीष, कैसा लगा मनीष? सुपर सुपर। ब्लॉगिंग कैसा कर रहे हैं हम? एकदम मस्त है, एकदम मस्त है ना। तो चलिए गाइज अभी चलते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग को दिखाएंगे सोना पहाड़ी का व्यू, सोना पहाड़ी तो नहीं जाएंगे लेकिन एक मंदिर काफ़ी है। सो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं मंदिर का लोकेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये हमको लग रहा है शिव मंदिर है, तो काफ़ी अच्छा देख सकते हो। और सोना पहाड़ी तो जो है वो तो पॉपुलर है, खास में इसका डिजाइनिंग मतलब फिर से, मतलब जब हम लोग अगला बार आए थे दिन में तो हम लोग यहाँ पर कुछ पैसा भी दिए थे, मतलब चंदा कलेक्शन यह किया जाता है, तो ये नाइट में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो काफ़ी मस्त है दिखने में। चलिए सो दोस्तों क्या सीन हुआ कि हम लोग आधार कार्ड दिखाएं, बट क्या हुआ कि आधार कार्ड से हमारे नहीं, अगला बार जब गए थे तो ऐसा ही गए थे ना हम लोग, तो बोला कि अगर हम रहते सामने तो आ जाते, लेकिन देखिए अभी क्या हुआ कि बिना आधार कार्ड से ही हम लोग जा रहे हैं, तो लोग को इस तरह का मनमानी को पूछो मत, मतलब लोकल का बात कराने के बावजूद भी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ सामने रहते तो आ ही जाते, लेकिन वो है नहीं, सामने रहते तो आ ही जाते क्या, और उसके लिए लोग ज़्यादा बेनिफिट मतलब ले रहा है इस तरह का मनमानी, मतलब पहले बहुत कोई समझदार है जो समझ जा रहा है, अरे ऐसे तो भाई कटाएंगे ऐसा कोई बात है नहीं, लेकिन होता है कि भाई लोकल अगर आ रहे हैं बराबर आना जाना कर रहे हैं, तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए था। अब चलिए यहाँ से फास्टैग फिलहाल रिचार्ज करवा दिए हैं, अब रिचार्ज कराने के बाद देखते हैं निकल जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली अभी राजगंज में रुके हुए हैं, एक्चुअली 3 पैसेंजर हम लोग का तोपचाची से मिल गया था, तो उधर जो भी हम लोग टोल टैक्स में लग गया वो बराबर कर दिए, अभी बस नाश्ता वास्ता कर रहे हैं यहाँ पर राजगंज में रुके हुए हैं। तो चलिए अब घर जाते जाते वही और आधा घंटा लगेगा, तो क्या होगा कि रात हो जाएगा, तो वीडियो कहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बताना भाई अगर जो टोल प्लाजा डुमरी वाला अगर वहाँ से कोई देख रहे हो वीडियो को, तो भाई आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि भाई बराबर जाते हैं लोकल में, इस तरह से हो रहा है तो दिक्कत हो जाता है मेरे लिए, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना अगर डुमरी टोल टैक्स तरफ से है कोई। तो चलिए फिलहाल वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, सभी को गुड नाइट एंड बाय बाय।